दोस्तों आज हम अपने जू में ना मक्की लेकर जा रहे हैं। देखते हैं जो हमारे परिंदे खाते हैं ये नहीं। मैंने सुना तो है कि परिंदे बहुत शौक से खाते हैं। आज चेक करना वाला हूँ कि कितने शौक से खाते हैं मक्की। तो इसलिए आज हमने ना काफ़ी सारी छलियाँ मंगवा ली हैं और अपने जू में ना इनको डालेंगे अपने बर्ड्स को और चेक करेंगे। अगर ये शौक से खाते हैं तो इनके लिए इस बार ना मक्की भी लेंगे, साथ बाजरा मिक्स करके इनको डालेंगे ताकि ये सर्दी से ना बचे रहें। खरगोश भी खाएंगे ये? भी खाते हैं। मैंने तो उससे जैसे उसने बताया कि सभी ये बर्ड जितने हैं मुर्गे खरगोश और कबूतर भी खा जाते हैं इनको। ये होती तो बड़ी है, मुझे तो लगा ये नहीं खा पाएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं कबूतर भी खा पाते हैं इनको। लग तो ऐसे रही जैसे कबूतर के गले में अटक जाएगी, लेकिन नहीं अटकेगी, वो बोरा ये खा जाएगी। तो आज हम चेक करेंगे, पहले कबूतरों को खिलाकर ही चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे बाकी बर्ड्स को। लो जी, तो ये हमने सारी छली उतार ली है, चेक करें। अब हम दूसरी वाली शुरू करने लगे। हाँ भाई, तो चलें भाई जू में। चलो चलो भाई जू में चलते हैं और बर्ड्स को ये डालते हैं और देखते हैं आज हमारे बर्ड्स खाते हैं कि नहीं। ये पौधा बड़ा लगा है जबरदस्त। हाँ दोस्तों, हम जू की तरफ जा रहे हैं। ये है जी हमारा सामने ही हमारा, तो उसके अंदर हम जाते हैं और बर्ड्स सब बर्ड्स को आज बाहर निकाल कर सबको डालना। तो सबसे पहले किसे डालें? सबसे पहले डालें, बहुत ही ज्यादा भूखे हैं आज, तो इन्हें निकालते हैं बाहर। आ जाए भाई, आ जाए। कबूतर नहीं बाहर आए, अभी आएंगे। कबूतर लो जी, कबूतर आ गया बहर और खा रहे हैं मक्की। ये चेक करें आप, लगता तो नहीं है कि ये खा पाएंगे, पर ये फिर भी खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ये एक दाना उठाते हैं और उसे निगल जाते हैं। ये देखें आप, बाकी का पता नहीं, पर ये जो डैनिश है ये तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ये देखें, हाँ
तो इनको साथ ही ना बाजरा और दाने भी डाल रहे हैं, ताकि जिनके बच्चे हैं ना वो ये मक्की खाएंगे तो फिर मक्की उनको नहीं खिला पाएंगे, तो उनके लिए दाने और बाजरा डाला है ताकि बड़ी आसानी से उनको ना ये उनको भी खुराक दे सके। बाकी नहीं आए काफ़ी सारे अंदर हैं, इन्हें भी बाहर निकालना चाहिए। हम निकालने वाले हैं अपने रैबिट्स को, आ जाए भाई रैबिट्स आ जाए, कहाँ गए हमारे रैबिट्स? हाँ भाई कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इनके लिए चारा लेकर आता हूँ। हमेशा सबसे पहले ये वाइट वाला बैल आता है, क्योंकि ये सुबह सुबह सबसे ये देखे क्या कर रहा है, ये देख ये अपनी जो अंगड़ाइयाँ ले रहा है, तो ये सबसे पहले बैल आ जाए। राइस चेक करें आप, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये रैबिट्स। मादी की माद रोटी खा कर एक खरगोश कितने बच्चे देता है, ये आज का सवाल होगा, और बताएगा जो 10 12 16 कंफर्म जो बताएगा उसके लिए नाम होगा। मुझे नहीं लगता किसी को कंफर्म पता होगा कि ये कितने बच्चे देते हैं। नहीं यार काफी लोगों ने ना बाहर ओपन ओपन केजेस में रखे होते हैं, उनको पता होगा, ताकि उनको उनके सामने होते हैं, एक जोड़ा लेकर आते हैं और ब्रीड जब करवाते हैं तो पता चल जाता है कितने बच्चे आए हैं भाई। तो ले आना उनके लिए, वो तो ले जाओ मक्की, तो ले जाओ चेक कराओ, मक्की डालते हैं इन्हें अभी ना। एक नहीं बह रहा है, चार आए हैं, पांचवा किधर है यार? एक और भी लेके ना, छह तो पूरे करो पता तो चले। लो जी इनके लिए मक्की ले गया, हाँ ऐसे ही हाथ पे रख के साफ। तो देखते हैं ये मक्की खाते हैं कि नहीं। आ जाए मक्की, देख देख खा रहा है, खा गया ना मक्की, मैंने कहा था ना मक्की खाएंगे। ये वाइट वाले की बना, वाइट वाला देख कैसे आराम आराम से खा रहा है। तो ये मक्की खा रहे हैं, लड़ भी रहे हैं साथ साथ, चेक करें। मक्की खाने के साथ साथ लड़ाई, अब ये पांचवा भी बैर आ चुका है, ये देखें ये मक्की बड़े ही सुकून से खा रहे हैं। उस एक की नींद से बनती है, वो हमेशा अलग बैठा रहता है। इसका कलर भी चेंज है, भूरा सा भाई। उसके साथ वाली किसी को लेके आओ, ये दो दो तो ये चार हो गए, पर वो अकेला है। अब इनके बच्चे जब आएंगे तो देखना बहुत ज्यादा होगा। इनकी दौड़ चल रही है, हाँ दौड़ता है ये बहरा, ये और ये पानी एग्जैक्टली पानी तो खुद बनेंगे। इनको फीड डालें या इनको चेक करें? ला के आओ मक्की, ला के थाई मक्की ला के आओ। ये अच्छा अभी निकालो ना, तेरा अंदर तो मक्की चेक करने वाला है, ये कैसे खाते हैं? लो जी ये तो मेरे नहीं 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 खा रहे हैं, खा रहे हैं नहीं यार, क्यों से उठाई नहीं जाती भाई? उठाएंगे उठाएंगे, नहीं ट्राई किया मैंने, नहीं खा पाए। क्यों मुर्गियों को खिला के देते हैं? नहीं नहीं खाएंगे, ये भी खाएंगे नहीं ना, इनसे उठाई नहीं जाती मक्की, ये देख
एक दाना वो भी नहीं उठा पा रहे भाई। देख ज्यादा होते तो फिर उठा रहे हैं। नहीं मक्की बदखे नहीं खा पा रही अब, तो निकालो मुर्गियां वो खाएंगी। हाँ वो तो खा रहे हैं। क्या हो रहा ये बच्चों को खुराक नहीं दे रहा है तो मर जाएंगे एक लोग भी। यार देते हैं ये आने, ये खा नहीं रहा, ये देगा खुराक क्यों नहीं दे, ये बड़ी खुराक खा इसलिए रहा, ये बड़ी खा इसलिए रहा भाई, ये देगा खुराक ऐसा नहीं हो सकता। ये दे ये बच्चों के लिए तो बड़ी खुराक खा रहा, ये दे अभी क्या निकाले वहां पर निकाली है मुर्गियां तो मुर्गियां के लिए। एक मुर्गी को निकालना नहीं है, देखते हैं क्या करते हैं। देखो 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 ऐसे ठीक है भाई, इसे नहीं निकालने से है ना, अंडों वाली खुराक डालनी अंदर ही ताकि अंडे में बस बस थोड़ी खा गया यार, उन्हें निकाल छोटों में और इसे इसी में खिलाना है इन सब को यार। चल इन्हें निकाल बाद निकाल इसे, उस मुर्गे को भी निकालते हैं यार। नहीं उसे निकालना भाई, नहीं इसे निकालते हैं फिर इसमें। रुक जा रुक जा, साइड हो साइड हो, ये हमारे दरवाजे बड़ा तंग करते हैं। छोटे तो भाग गया सारे वहां, कर दे मारे ही कर दे, निकाल दे निकाल दे निकाल दे निकाल दे सबको। उस मुर्गे को नहीं आज निकालते, आज इसको निकालते हैं, इसको रुक। ऐसे बाकी को निकाल सबको, इसे भी और बाकी को जा अंदर से निकाल। चल इसे पकड़ लेना, जब ये बाहर आने से पकड़, इसे पकड़ लेना। तो यहाँ पर मिलाते हैं आपको दोबारा, सारे इसने नीचे फेंका हुआ है, शौक इसके देखे और आपने देखे दाखिला ने तो तुम पर। इसीलिए कहते हैं कि इन मुर्गों को नहीं लेना चाहिए, आधे से ज्यादा पहले मर चुके हैं। अरे शहर से आ जाओ, निकल आ सुनिए आ रहा है निकल। तो यहाँ पे बदखें अपने पानी पी रही हैं और ये खरगोशों का पानी पी रहे हैं, ये हमेशा खरगोशों के ही हक पे इन लोगों ने डाका डाला हुआ, यहाँ पर आकर उनकी सारी खुराक खा जाते हैं। जा अंदर चेक कर इन्हें, मुर्गी अंडे क्यों नहीं दे रही, मैं इस चीज से बड़ा परेशान हूँ। एक ही मुर्गी ने अंडे दिए अभी तक, बाकी सब फ्री में खाए पी जा रही हैं, टाइम बहुत हो गया। लो जी असील मुर्गियां बाहर आ चुकी हैं, चेक करें आप, वो देखें वो वाइट वाला जोड़ा, चेक करें आप। नहीं बता ये बतख वैसी बननी जैसे मैं कहता हूँ, मैं इसकी तस्वीर लगाऊंगा इस वीडियो में जैसे मैं चाहता हूँ, ये वैसी हो सकती है ब्लैक वाली। वो वाइट मुर्गी बीमार लग रही है, वो बड़ी वाली वाइट हमें बीमार लग रही है, पर ये ऐसा होना नहीं चाहिए यार, ऐसा कैसे हो सकता, क्या मसला।